नियाज खान साहब, एक नौजवान तालीम हासिल करें दे, वो पढ़ दे, लेकिन बदकिस्मती दे नाल उसको नौकरी नहीं मिलती, वो कोई रेड़ी खोल गिन दे, बेचारा कोई जमीन बेच के, माल जेवर बेच के, करियाने की दुकान ला दें दे, अन करीब उसका मुआशी मुस्तकबिल महफूज कहने। क्या सच चेंद है कि जेले नियाज खान ऐवान च गया बेटा उसी, क्या वो नौजवान एफ ए बी ए या एम ए करके या कोई स्पेशलाइजेशन डिग्री करके वो बठे ते काम करे सी, कितने मुंशी खड़ सी, कितने क्लर्क खड़ सी, या वो अपनी डिग्री को हाथ च पा के नियाज खान कहीं गोदे दे डेरे ते वैसे, या इवन बनार ते रक्षे ते आसे कि नियाज खान मेरे को जॉब दे, मेरे को तो अपना रुका दे, ठीक है। क्या ऐसा समझते हैं कि नियाज खान पॉलिसी को चले से, या नियाज खान कोई नमी तर्ज ते कोई नमी जॉब पॉलिसी करे से, कोई नमक रोजगार प्रोग्राम गिन क्या सी आवाम के ते, नियाज खान क्या करे सी? देखो सर, सब को पहले मैं अपने पढ़े लिखे नौजवान को आखना चाहना कि बदकिस्मती नू तो तकरीबन 3 लाख बंदा सर पूरे स्टडी मुकम्मल करके पूरे पंजाब निकलता पे, स्टूडेंट वगैरह सारे पूरे स्टडी फेल करके, और 17 to 18 हज़ार वैकेंसीज है सरकारी, 2,83,000 बंदा बेरोजगार आना पे, और बदकिस्मती है कि ओवर इतनी ना मिले, उसकी आस उम्मीद मुकदी वे नहीं है, कोई पॉलिसी कह नहीं, कोई पॉलिसी कह नहीं गवर्नमेंट को, अगर कह नहीं तो मैं कम से कम उन्होंने पॉलिसी देना चाहना कि कम